नमस्कार वेलकम टू स्किल टूल मैं संदीप संदीपल्टेंट कॉर्पोरेट ट्रेनर ऑथर ऑफ द बुक एफएमसीजी सेल्स टूल किट एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ अ कैडबरीज केस स्टडी और हाउ दे वर एबल टू मैनेज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और जहाँ पे डिक्लाइन आना शुरू होता है वहीं पर वो लोग ग्रोथ 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 ला किस तरीके से अपना प्रोडक्ट को आगे लेके गए बिफोर दैट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम जहाँ पे मैं ट्रेनिंग वीडियो नगेट्स डालता रहता हूँ एंड ऑल्सो आई शेयर रिसेंट अपडेट्स अबाउट द एफ एम सी जी इंडस्ट्री एंड ऑल्सो माई ओन वर्क एंड वट आई एम डूइंग सो दैट वॉज इट नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक विच इज द कैडबरीज के स्टडी एंड हाउ दे मैनेज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बिफोर आई गेट इन टू द के स्टडी लेट बी शॉर्ट इन ब्रीफ डिस्कस अबाउट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कि होता क्या है फॉर पीपल अब बहुत बहुत सारे आप लोगों ने ऑलरेडी ये ग्राफ देखा ही होगा जहाँ पे आपको दिख रहा है ये मतलब इंट्रोडक्शन होता है प्रोडक्ट का और उसके बाद एक ग्रोथ आता है जब वे वेन द कंपनी स्टार्ट टू रीच मोर आउटलेट्स मोर कंज्यूमर्स सो दैट इज द टाइम ग्रोथ हैपन्स और वो ग्रोथ चलता रहता है सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम देन द सेल्स शॉर्ट ऑफ फ्लैट आउट ठीक है तो वो सेल्स फ्लैट हो जाता है वो मेच्योरिटी स्टेज कहते हैं हम लोग अगर उस स्टेज में कंपनी ने कुछ नहीं किया तो धीरे 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 करके वो डिक्लाइन भी हो सकता है सो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट द रीजन एंड व्हाई आई व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस क्योंकि ये जो टॉप वाला पॉइंट है मेच्योरिटी स्टेज इसको कैडबरीज ने बहुत अच्छी तरीके से पहचाना है एंड अकॉर्डिंगली आर टेकिंग राइट एक्शन एट द राइट टाइम एंड दे आर एबल टू गेट ग्रोथ 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 एवरी टाइम मैं डिस्कस करूँगा कैसे क्योंकि देखिए नाइनटीन फोर्टी एट में कैडबरीज लॉन्च हुआ था काफ़ी टाइम हो गया ऑलमोस्ट एज ओल्ड एज इंडियन इंडिपेंडेंस तो इतना पुराना है बट फिर भी वो अभी भी ग्रो कर रहे हैं क्या जादू है क्या मजा है उनकी क्या, क्या क्या कर रहा है सो दैट इज़ वाट वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल सीक्रेट क्या है लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये फ्लैटन की हो जाता है फ्लैटन इसलिए हो जाता है मे बी इट्स अ डिक्लाइनिंग कैटेगरी कि भाई जैसे कि कोविड के टाइम सैनिटाइजर बहुत ग्रो कर रहा था ठीक है बट अभी सैनिटाइजर लोग यूज़ नहीं करता है ठीक है उतना यूज़ नहीं करता है. तो वो जैसे कि वो डिक्लाइनिंग uh, कैटेगरी हो गया देन कुड बी नेट डिस्ट्रीब्यूशन जितने टाउन जितने सिटीज जितने एरियाज़ uh, में आप पहुंचने वाले थे उतना आप पहुंचे नहीं जितने एरिया में थे सपोज लोकल uh, कंपनी तो लोकल रह गया रीजनल तो रीजनल रह गया और आपने बढ़ा नहीं तो इसीलिए आपका सेल्स फ्लैटन आउट हो गया देन हायर कंपटीशन जिस मार्केट में आप हो वहाँ पे ज्यादा कंपटीशन आ गया आपने मार्केट शेयर ले लिया आपका सेल फ्लैटन हो गया माइट बी चेंज इन प्राइजिंग यू हैव चेंज द प्राइस यू हैव इंक्रीज द प्राइस दैट इज प्राइज इंक्रीज किया उसके चलते सेल्स घट गया ग्रोथ आपका घट गया और सेल्स जितना था उतना ही रह गया कुड भी इश्यू विथ ट्रेड इनपुट्स ट्रेड मार्जिन आपने पहले शायद दुकानदारों को बहुत सारा स्कीम्स और कुछ एक्स्ट्रा इनपुट्स भी दिए थे बट अभी आपने उनको देना बंद कर दिया तो दुकानदार बोल रहे कि भाई जितना हमारा बिक रहा था उतना ही बेचेंगे ज़्यादा हम नहीं लेंगे जितना ज़रूरत है उतना ही लेंगे ज़्यादा हम नहीं लेंगे क्योंकि वैसे भी हमें कुछ ज़्यादा नहीं मिल रहा है दैट वे ऑल्सो दिल सेल्स कोड फ्लैटेड एंड द लास्ट थिंग खुड भी कंप्लेसेंसी कि भाई उनको लगता है कि भाई मेरा जितना चल रहा है उतना ही है ठीक है सेल्स उतना ही है, है। वही चीज़ रे एडोकेशन बट ठीक है अभी कभी कभी कुछ कंपनीज में ये मैंने मैंने देखा है सो ना लेटस अंडरस्टैंड कि इस इस पर्टिकुलर सिचुएशन से निकलने के लिए हाउ टू स्टॉप द डिक्लाइन उसके लिए हम क्या कर सकते हैं नंबर वन तो भाई फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन इन एडिक्वेट है तो उसको पहले बनाने की कोशिश कीजिए इफ़ यू आर लोकल ट्राई टू ग्रो 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 तो वो आप थोड़ा कोशिश कीजिए एंड देन इफ इट इज़ यू थिंक दैट जितना हमारा करना था उतना हमने कर लिया है देन डेफिनेटली यू नीड टू फाइंड न्यू कंज्यूमर्स दैट इज़ वायर द कैडबरीज की स्टडी कम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट री पोजिशन एंड री लॉन्च नाउ लेट इस नाउ स्टडी दिस कैडबरीज की स्टडी कि उन्होंने ये जो मेच्योरिटी स्टेज है उसको पहचाना और जहाँ पर उनको डिक्लाइन आना चाहिए था वहाँ पर वो आने नहीं दिया वहाँ पर वो और ग्रो किया और ग्रो किया कैसे किया लेट अंडरस्टैंड जैसे कि मैंने आपको बताया कैडबरीज इज़ a वेरी ओल्ड ब्रांड 1948 में उन्होंने इंडिया में एंटर किया काफ़ी टाइम उन्होंने इंडिया में बिताया इनिशियली जब उन्होंने एंटर किया इट वाज़ ओनली मेंट फॉर किड्स, चिल्ड्रन ही ज्यादा ज़्यादातर चिल्ड्रन ही ये खाते थे और उनका टारगेट भी था चिल्ड्रन उसके बाद जब उनको लगा कि नहीं हमें हमारा सेल्स टैगनेंट हो रहा है और हमें ग्रो करना है और ग्रोथ अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है Then they started to target a new consumer segment, that is youth of India, and that is the time in 1994 they launched this particular campaign, which is called Kuch Khaa You all ads, where these guys in the cricket field was Na chakka mara and that lady comes down from the. पवेलियन और स्टेडियम से नीचे उतर के फिर वो डांस करने लगी एंड दैट इज द टाइम व्हेन यू नो कैडबरीज क्रिएटेड दिस एंटायर टारगेट न्यू टारगेट कंज्यूमर सेगमेंट दैट इज द यूथ ऑफ इंडिया तो फिर उनका सेल्स बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा, लगा क्योंकि बहुत सारे जो यूथ है वो अट्रैक्टेड होने लगे एंड दे स्टार्ट हैविंग कैडबरीज उसके बाद क्या हुआ फिर से थोड़ा सेल्स फ्लैटेंड होने लगा फ्लैटेंड होने लगा तो ने बोला अब क्या करें अब क्या करें अब चिल्ड्रन था हमने यूथ तक पहुंच गए अब क्या करें देन थॉट कि नहीं लेट अस टारगेट ओकेशन आल्सो जैसे कि इंडिया में एक ट्रेडिशन है कि कुछ भी अच्छा ओकेजन होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि भाई कुछ मीठा हो जाए है ना रक्षाबंधन हो दिवाली हो या फिर कुछ घर में अच्छा कुछ हुआ हो कि वी ऑलवेज नीड स्वीट तो टारगेटेड दिस ओकेजन कि भाई व्हाई ओनली द लोकल मिठाई वाला क्यों कैडबरीज क्यों नहीं दे सकते दैट इज द टाइम दे लॉन्चो द कैडबरीज सेलिब्रेशन पैक्स तो रक्षाबंधन दिवाली और भी बहुत सारे ओकेशंस को दे टारगेटेड एंड दे वर एबल टू क्रैक एंड टीकोड दिस पर्टिकुलर थिंग बहुत मैंने ये भी देखा है कि उस टाइम में दुकानदार अलग से स्टॉल लगाते थे और उस टाइम में सिर्फ कैडबरीज सेलिब्रेशन का जो पैकेट है वही बेचता था वो लोगों दैट इज वॉट दू नो चेंज दैट दे गॉड एंड दैट इज हाउ देबल टू गेट इन टू दैट न्यू ओकेशन सेगमेंट तो पहला क्या उन्होंने न्यू कंज्यूमर सेगमेंट को टैप किया उसके बाद उन्होंने न्यू ओकेशन सेगमेंट को टैप किया यहां पर उन्होंने कुछ अच्छा हो जाए कुछ मीठा हो जाए विच वॉज द कैंपेन लॉन्च इन टू थाउजेंड सेवेंटीन दैट इज द कैंपेन आई एम टॉकिन अबाउट कुछ अच्छा हो जाए कुछ मीठा हो जाए राइट टू थाउजेंड सेवनटीन में अब उसके बाद फिर उनका सेल ग्रो किया ग्रो किया ग्रो किया ग्रो किया फिर फ्लैट एन होने लगा फ्लैट एन होने लगा तो उन्होंने क्या किया बोले कि अब हमें और ग्रो करना है कैसे ग्रो करेंगे वी विल गो टू द रूरल मार्केट अभी रिसेंटली वॉट है मॉन्डल इज स्टार्टेड गेटिंग इनटू द रूरल सेगमेंट विलेजेस ऑल्सो जहाँ पे छोटे छोटे गांव में भी दे आर गिविंग देयर कूलर्स बिकॉज दे हैड टू मेनटेन दैट कोल्चेन इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यू था कोल्चेन मतलब एक जो चॉकलेट है एक पर्टिकुलर में मेनटेन करना पड़ता है राइट फ्रॉम मैनुफैक्चरिंग टू द वेड हाउस फ्रॉम वेड हाउस टू द रिटेलर पॉइंट जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट टू रिटेलर पॉइंट ये सारा जो चेंज है ना यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही उसको रखना पड़ेगा इंक्लूडिंग द वहीकल इन विच इट गेट्स डिलीवर्ड तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एक इशू uh, है बट फॉर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स बट दे आर एबल टू डी कोड इट क्रैक इक एंड दे आर एबल टू डू इट नाउ Cadbury's is also available in smaller villages. So this is how Cadbury's kept maintaining their growth, kept maintaining their growth by looking at the product life cycle, that maturity is decline and they started analysing it and getting into new consumer segment, new occasions, new markets and that is how they are able to survive and grow for the, in this entire so many years, correct? so thanks a lot for watching this video please don't forget to like share and subscribe i'll be back with more videos thank you